जो कि आ रही है अग्निपथ योजना पर आज भी यूपी से बिहार तक बवाल जो है मचा हुआ है। बिहार सरकार ने 15 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने ट्रक और बस में आग लगा दी। यूपी के जौनपुर में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में आज 18 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इसी के साथ आपको बता दें कल एमसीडी ऑफिस के गेट पर वो लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे। आपको बता दें दिल्ली के धनसा बस स्टैंड के करीब एमसीडी ऑफिस है जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था। यूपी के मिर्जापुर में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ मचा दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने बस को तोड़ा और हरियाणा के पलवल और बल्लभगढ़ में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। अग्निपथ योजना पर आज भी यूपी से जो बवाल है वो मचा हुआ है। अलग अलग जगह लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है। आपको बता दें यूपी के जौनपुर में भी युवाओं ने प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें दिल्ली में आज 18 प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया है और कल एमसीडी के ऑफिस के बाहर ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें यूपी के मिर्जापुर में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ मचा दी। हरियाणा के पलवल और बल्लभगढ़ में जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। अग्निपथ योजना पर यूपी से बिहार तक बवाल जो है अभी भी लगातार चल रहा है। प्रदर्शनकारी बस तोड़ रहे हैं, अलग अलग जगह जो प्रदर्शन है वो अभी भी जारी है। इसी के साथ कुछ जगहों पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बताया दिल्ली में आज 18 प्रदर्शनकारियों को भी जो है हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कि आ रही है अग्निपथ योजना से जुड़ी जो खास अपडेट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर यूपी से लेकर बिहार तक जो बवाल है वो अभी भी मचा हुआ है। योजना पर जो